साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं संजन मत। पहले कुछ सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, उसके बाद अपने मुख्य मुद्दे पर आता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से आने वाली हर गोली का जवाब भारतीय सेना 2014 से पहले नहीं दे रही थी? क्या जो भी लड़ाकू विमान या गोले एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किए गए वो 2014 के बाद से देश में बने थे? 2014 से पहले यानी कि मोदी से पहले सेना के पास कोई हथियार ही नहीं थे? क्या सेना इतनी पराक्रमी नहीं थी? एक सवाल और है, क्या मोदी सरकार आने से पहले किसी भी देश के नागरिक को अपनी सेना पर गर्व नहीं था? क्या इससे पहले की सरकारें सेना का अपमान करती थी? ये सारे सवाल मैं आज से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अमूमन मैंने गोदी मीडिया को देखना बंद कर रखा है, लेकिन इस देश में इस समय की जो स्थिति चल रही है उस समय मैंने यह सोचा कि सरकार के तर्क और सरकार के पिछलग्गुओं के तर्क समझने के लिए आपको गोदी मीडिया देखना जरूरी है, क्योंकि वो ही ऐसे ऐसे पहलू लेकर आती है जो कुतर्क होते हैं, अतार्किक होते हैं, लेकिन बहस में उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस समय अगर कोई भी इस बात पर सवाल उठा रहा है कि आखिर कितने लोग वहां मरे थे, ये अमित शाह को कैसे पता? देखिए यहां पर ध्यान देने की बात है, लोग अमित शाह से पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता कि 250 आतंकी वहां मारे गए थे। तो अमित शाह से पूछने का मतलब यह हो गया कि वहां तर्क यह दिया जा रहा है कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, इससे सेना का मनोबल कमजोर होगा। अब लोग तर्क यह देने लगे कि आप आतंकियों की संख्या गिनने में कहां लगे हुए हैं, आप ये देखिए कि सेना ने जो वहां पर काम किया उसमें आपको गर्व है कि नहीं है। मुझे भी गर्व है, देश के हर नागरिक को गर्व है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि सेना को इस मीडिया की चिल्लपों में फंसाने का जिम्मेदार कौन है? सेना को पहली बार इस मीडिया की चिल्लपों में फंसाने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, खुद गोदी मीडिया और अमित शाह जैसे लोग हैं। आज जो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि विपक्ष को यह पूछने का अधिकार किसने दिया कि कितने आतंकी मरे थे, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो संख्या पता करना चाहते हैं कि कितने आतंकी मरे थे वो पाकिस्तान चले जाए और वहां संख्या गिन लें। फिर एक बयान में वो खुद कहते हैं कि आगे आने वाले समय में देश को पता चल जाएगा कि कितने मरे थे। इस सब चिल्लपों के बीच में मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि उस समय जो गोदी मीडिया ने आंकड़े बताए थे कि 300 आतंकी मारे गए, वो आंकड़े किसके हवाले से आए थे? वही वो सोर्स डिस्क्लोज कर दें। अमित शाह जो कह रहे हैं कि 250 लोग मारे गए, वो किसके आधार पर कह रहे हैं, ये भी डिस्क्लोज कर दे। यहां पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि देश में कोई एयर स्ट्राइक की गई हो या सर्जिकल स्ट्राइक की गई हो। इस समय की स्थितियां ये हैं कि युद्ध जैसा राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो सेना और सरकार को साथ साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कोशिश ये हो रही है कि आप सरकार पर सवाल उठाएंगे, मतलब सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस घालमेल को समझने की लोगों को जरूरत है, क्योंकि 19 साल में ये पहले मौके नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो। इससे पहले 19 साल में तकरीबन 9 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 1 मई 1998 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जून 1999 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जनवरी 2000 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जनवरी के तुरंत बाद मार्च 2000 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सितंबर 2003 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जून 2008 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगस्त 2011 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जनवरी 2013 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये सर्जिकल स्ट्राइक वो हैं जो मैं बता रहा हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ बीच बीच में सर्जिकल स्ट्राइक होती रही, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान के आंकड़े जो मुझे मिले वो इसलिए सामने लेकर आया हूं क्योंकि पहली बार ऐसा इस देश में हो रहा है कि सेना के शौर्य का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार जिम्मेदार है कि उसने भारतीय मीडिया का, सेना का पूरे विश्व में मजाक बनवाया है। अगर ऐसा नहीं है तो एयरफोर्स चीफ वीएस धनोआ को क्यों सामने आना पड़ा? वो सामने आए नहीं, उनको सामने आना पड़ा क्योंकि सेना का मजाक बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बनवाया जा रहा था। अगर बीएस धनोआ आज ये कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का काम नहीं है कि वो किसी की संख्या गिने, हमें टारगेट दिया गया था, हमने टारगेट फिक्स किया और हम अपना काम करके चले आए, बिल्कुल ठीक बात है, बीएस धनोआ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एयरफोर्स का काम नहीं है कि वो संख्या गिने। एयरफोर्स का काम क्या, किसी का भी काम नहीं है कि वो संख्या गिने। तो फिर आखिर इस संख्या की सियासत को अमित शाह ने बीच में डाला ही क्यों? 1998 से जनवरी 2013 तक, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले, मैंने आपको 19 साल में बताया कि 9 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन क्या कभी किसी ने इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक इस्तेमाल होते देखा है? क्या कभी किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर किसी भी सरकार द्वारा, खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इससे पहले रही हो, क्या किसी ने इस तरीके से होर्डिंग लगाते हुए देखा है? क्या किसी ने सेना के शौर्य को इस तरीके से बेचते हुए देखा है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को सेना को अपने में शामिल करते हुए ऐसे दिखाना कि भारतीय सेना केवल भारतीय जनता पार्टी का पार्ट हो, ऐसा दिखाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूं,
पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और उनकी पूरी टीम है। यहां पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, मीडिया में जो बहसें चलाने की कोशिश की जा रही है उसमें सवाल उठाने वालों को यह कोशिश की जा रही है यह बताने की कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं क्या, वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े हैं क्या। मेरा सवाल यह है कि यहां पर सेना पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे हमारे जैसे पत्रकार हो, कुछ समाजसेवी हो, मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, किसी को भी इस बात पर 1% डाउट नहीं है कि सेना ने शौर्य का पराक्रम देते हुए पाकिस्तान पर जाके एयर स्ट्राइक की, किसी को इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब सेना के यानी कि एयर चीफ मार्शल हैं जो, वो खुद कह रहे हैं बीएस धनोआ साहब कि संख्या गिनना हमारा काम नहीं है, तो अमित शाह को जरूरत ही क्या थी संख्या देने की, और उन मोदी भक्तों को जरूरत क्या थी वो संख्या बताने की जो एक व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 292 चरमपंथी मारे गए। मीडिया में, सोशल मीडिया में बकायदा एक चैट सर्कुलेट की जा रही है, जो चैट दिखाई जा रही है कि बालाकोट में एक डॉक्टर इमाम इजाज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के अपने एक मित्र से चैट की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी अम्मी बालाकोट में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं, तो उनकी अम्मी के हवाले से ये खबर है कि 5 प्रेग्नेंट लेडी भी उसमें मारी गई हैं जो उसमें शामिल थी, जैसे मोहम्मद के से उसमें भर्ती थी उसी तरीके से जैसे मोहम्मद के अन्य लोग भी मारे गए हैं। जब उसी चैट में फिर से पूछा गया कि एग्जैक्ट फिगर है क्या, तो उसने कहा कि हाँ मेरी अम्मी ने यही आंकड़े बताए हैं। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो निकल कर बात ये सामने आई कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बालाकोट, जिस जगह पर ये बम गिराए गए हैं, वहां पर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है ही नहीं। बीबीसी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अल जजीरा ने, वाशिंगटन पोस्ट ने बकायदा वहां जाके सर्वे किया है कि वहां किसी भी अस्पताल में इसी तरीके से मारे जाने वाले लोगों की कोई गणना हुई नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि जब इससे पहले जो हुई थी स्ट्राइक, उन स्ट्राइकों पर ना भारत की सरकारों द्वारा इस तरीके से महिमा मंडन किया गया, ना उन्होंने कोई आंकड़े बताए थे, आज से पहले कभी आंकड़े नहीं बताए गए। ये एक संकेत होता है, आंकड़े होते हैं जो एग्जैक्ट फिगर कभी निकल कर नहीं आता, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल जब करने की उसकी कोशिश की गई तो स्वाभाविक तौर पर, दूसरी तौर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। यहां पर सवाल सिर्फ और सिर्फ अमित शाह, नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जा रहा है, कोई भी सेना से सवाल नहीं पूछ रहा। महीने में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने मन की बात करने आते हैं, अपने उद्बोधन देने आते हैं, उसमें इस बार उन्होंने कहा कि राष्ट्र की शांति और उन्नति के माहौल को नष्ट करने वालों से अब सेना भी निपटेगी। यानी कि उन्होंने विकल्प छोड़ दिए हैं कि सेना अब विरोधियों यानी कि दूसरे देशों से भी लड़ेगी और अपने देश में भी जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उनसे भी लड़ेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र, सरकार, देश, मोदी, बीजेपी, संघ, देशभक्ति, इन सब को एक दूसरे का पर्यायवाची बना दिया गया है, यानी कि अगर इनमें से किसी एक पर भी आप सवाल उठाएंगे तो आप राष्ट्र के विरोधी हो गए हैं। इस सब पूरे कुनबे में, जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कि हिंदू राष्ट्र, सरकार, देश, मोदी, बीजेपी, संघ, देशभक्ति, इसी में एक पर्यायवाची और शामिल करने की कोशिश की जा रही है, वो है सेना। यानी कि सेना को और सरकार को इस तरीके से क्लब कर दिया जाए कि आप जैसे ही मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्यों आप फर्जी आंकड़े दे रहे हैं, तो वो कहेंगे देखिए साहब, आप सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे ही आप बीजेपी के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो आप कहेंगे कि देश इस समय संकट की दौर में है और आप हमसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ओबीसी एससी एसटी के वो लोग जो अपने हक और हकदारी के लिए सड़क पर उतरते हैं, जैसे 5 मार्च यानी कि कल बड़ा आंदोलन किया, बड़ा प्रदर्शन किया, उन लोगों को आप देशद्रोही साबित करने की कोशिश इसलिए कर देते हैं, आप कहते हैं कि ये स्वार्थी लोग हैं, अपने अधिकारों की बात आप सामने लेकर आ रहे हैं, इस समय आपको सेना का साथ देना चाहिए था। कुल मिलाकर साबित करने की कोशिश ये हो रही है कि केवल एक तो सवर्ण राष्ट्रवादी हैं, और सवर्णों में भी वो लोग जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं वो भी राष्ट्रवादी नहीं हैं, वो सवर्ण राष्ट्रवादी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैं, वो ओबीसी एससी एसटी के लोग भी राष्ट्रवादी हैं, वो मुस्लिम भी राष्ट्रवादी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और ये मानते हैं जो मोदी कह दे वही अंतिम सत्य है। यानी कि कुल मिलाकर राष्ट्रवाद शब्द और मोदी का घालमेल होकर रह गया है। जो बीजेपी के खिलाफ है वो सेना के भी खिलाफ है और वो देशद्रोही है, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सेना हमेशा से, भारत की जो सेना है वो धर्मनिरपेक्ष रही है, गैर राजनीतिक रही है और पेशेवर रही है। उसका काम हमेशा रहा है कि संविधान के मूल्यों के हिसाब से काम करती है, उसको किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन की जरूरत नहीं है। यही भारत और पाकिस्तान में मूल अंतर है। भारत की सेना जहां निष्पक्ष रही है, वहीं पाकिस्तान की सेना हमेशा वहां के जो मौजूदा सत्ता होती है उसके आसपास तानाबाना बुनती रही है। लेकिन इस अंतर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार शायद खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो सेना को,
सत्ता से और सत्ता को सेना से जोड़ने का काम कर रही है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बहुत सारे रिटायर्ड लोग इस समय पूरी तरीके से बीजेपी के खुल के समर्थन में इसलिए दिख रहे हैं तमाम सारी चर्चाओं में, शायद उसकी वजह यह हो सकती है कि जनरल वीसी खंडूरी को उन्होंने देखा कि वो सेना से रिटायर्ड होकर आए और यहां मुख्यमंत्री बन गए, जनरल वीके सिंह को उन्होंने देखा जो वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते थे उसके बाद आए और मंत्री पद ले लिया और शांति से खामोश बैठे हुए हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं जो वहां कर्नल रहे थे और यहां से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बन गए, तमाम ऐसे सारे लोग, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, ऐसे तमाम मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, ऐसे तमाम सारे लोग जो बड़े बड़े पोस्टों पर होते हैं, उन लोगों का रिटायरमेंट के बाद किसी भी पार्टी में शामिल होना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पद पर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो अपने आप में समाज सेवी तो डायरेक्ट हो ही जाते हैं और उनको सीधे तमाम सारी पार्टियां कार्यकर्ताओं के ऊपर तरजीह दे देती हैं, उनको पद पर बैठा देती हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि इस तरीके का लालच बहुत सारे लोगों के मन में भी आ गया हो कि जब वो वहां पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होता है, इसके विपक्ष में भी जो लोग बोल रहे हैं वो संभव है कि वो कांग्रेस में अन्य विपक्षी दलों में अपनी सेटिंग ठीक करने की कोशिश कर रहे हों कि जब उनकी सत्ताएं आएंगी तो शायद हमें वहां एडजस्ट कर लिया जाए। इस माहौल में सेना के लोगों को इस पक्ष और विपक्ष की स्थिति में बैठा देना नितांत निंदनीय है और सर्वथा सेना के शौर्य के खिलाफ है। चलिए, जिन संगठनों ने 5 मार्च को भारत बंद के दौरान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, आपने उनको सीधे सीधे ये साबित करने की कोशिश की कि राष्ट्र के साथ नहीं खड़े हैं, तो मैं वही सवाल कर लेता हूं कि तेज बहादुर यादव जो सेना का खुद जवान था, अर्धसैनिक बल का जवान, उसने तो यही कहा था ना कि मुझे दाल अच्छी नहीं मिल रही, पानी वाली दाल मिलती है सैनिकों को, आधी कच्ची रोटियां मिलती हैं सैनिकों को, तो उसके सवाल उठाने के बाद आपने उसके सवालों को सुनने की बजाय उसको सेना से बाहर कर दिया। फिर आपने कहा कि वो तो इस तरीके का व्यक्ति है कि कुछ लोगों से पोसिस था, क्योंकि उसके नाम में यादव लगा हुआ था, तो आपके ऊपर उसको आरोप लगाना ठीक भी था और मीडिया ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन ये मुझे बताइए कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इन सारे जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, इनको शहीद का दर्जा देना अभी तक क्यों पेंडिंग है? अगर आप सेना के शौर्य को लेकर इतना सक्रिय हैं तो, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके लोग बैठ करके, तो क्यों नहीं इस बात को उठाया जा रहा है कि शहीद का दर्जा अभी तक सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बलों के जवानों को क्यों नहीं मिला? और ये किससे मिलना है? राजनाथ सिंह द्वारा मिलना है, क्योंकि अर्धसैनिक बल जो होते हैं वो रक्षा मंत्रालय में ना आके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो राजनाथ सिंह की पहली जिम्मेदारी बनती है कि तेजी से फाइलें आगे बढ़ाएं, उनका शहीद का दर्जा दिलवाएं। उसी तरीके से इनको पेंशन नहीं मिलती है अर्धसैनिक बलों के जवानों को, जो इस समय ज्यादातर जवान मरे वो सीआरपीएफ के जवान थे, यानी कि अर्धसैनिक बलों के जवान थे, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। चौथा मेरा सवाल है कि मुआवजे पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? लखनऊ की एक घटना पर एक व्यक्ति की पत्नी को 1 करोड़ से ज्यादा मुआवजा दे दिया जाता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर की नौकरी दे दी जाती है, तो सेना का कोई जवान अगर शहीद होता है तो उसको भी इसी पैमाने पर 1 करोड़ रुपए की सहायता, सरकारी नौकरी उसके घर परिवार को क्यों नहीं दी जाती है? ये मुआवजे का कौन सा क्राइटेरिया और किस हिसाब से फिक्स होगा? अगर ये सरकार सेना के शौर्य की सबसे ज्यादा बात करने वाली है, तो अगर आपके बजट से इतना पैसा निकल भी जाएगा सेना के घर परिवार के लिए, तो कौन सी आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आप तो असली राष्ट्रभक्त हैं। इस वीडियो को हम आपके सामने सिर्फ इसलिए लेकर आए थे कि स्पष्ट समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना सेना की आलोचना करना नहीं है। हमारा सवाल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास तौर से अमित शाह से है कि उन्होंने उनको 250 के आंकड़े किसने दिए थे, उन मोदी भक्तों से है, उस गोदी मीडिया से है जो 250 और 300 के आंकड़े लेकर सामने आई थी। हमारा सवाल सेना से नहीं है, उसके शौर्य पर नहीं है, उसके पराक्रम का नहीं है। हम पहले भी, मोदी की सरकार आने से पहले भी, सेना पर उसी तरीके से भरोसा रखते थे जिस तरीके से अभी भी भरोसा करते हैं, लेकिन इस घाल मेल को हम नहीं होने देंगे कि अगर आप मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं तो उसके प्रवक्ता कह देते हैं कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना है, और जब भी आप गोदी मीडिया को देखते हैं तो उसकी साजिश को बहुत करीब से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप 24 घंटे इस गोदी मीडिया को देखते रहेंगे तो मैं इसीलिए नहीं देखता हूं क्योंकि वो आपका दिमाग इस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं कि आपकी सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। आप देखते रहिए नेशनल जनमत, हमारी कोशिश है और लगातार बनी रहती है कि हम आपको जागरूक और सजग करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।